Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Before starting current affairs MCQ session of 25th June, हम कल के home assignment को पहले discuss करेंगे. आपका कल का question था, SOFF signed MOU with whom to promote bilateral defence industrial relation. जो आपका SOFF है, इसने साइन किया है memorandum of understanding किनके साथ ताकि प्रमोट कर सके bilateral defence industrial relation को. आपका ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी SIDM, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन डी none of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी SIDM. एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर SIDM और स्वीडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री SOFF के बीच जो वेबिनार हुआ था इंडिया स्वीडन डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन का. उस दौरान इसका मकसद क्या था, इस मऊ का एम था कि ये बूस्ट करे बायलेटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन को इंडिया और स्वीडन के बीच में. ये जो वेबिनार था इसका थीम था कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ. इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जिसमें SIDM और SOFF दोनों ही पार्टिसिपेट किए थे. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. तो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर SIDM, इसके प्रेसिडेंट जयंत टी पाटिल है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. स्वीडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री SOFF, इसके सेक्रेटरी जनरल रॉबर्ट लिमेंटगार्ड है, हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है. DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्म किया गया था 1958 में. इसका हेडक्वार्टर DRDO भवन न्यू दिल्ली पे है. इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है. HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है. इसके फाउंडर वालचंद हीराचंद, फाउंड किया गया था 23 दिसंबर 1940 को. नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट MCQ सेशन ऑफ 25 जून. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेवल एक्सरसाइज 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट कंडक्टेड इन विच प्लेस. जो नेवल एक्सरसाइज है जिसका 31st एडिशन था इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट का, इसको कंडक्ट किया गया किस प्लेस में. आपका ऑप्शन है अंडमान सी, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी रेड सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो जब भी कोई अगर एक्सरसाइज होता है तो वो कहाँ पे हुआ वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस किस कंट्री के बीच में, ये भी. इसका करेक्ट आंसर है ए अंडमान सी. जो 31st एडिशन था इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पेट बाई एनुअल एक्सरसाइज इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में अंडमान सी पे कंडक्ट कराया गया. जो इंडियन साइड थे उसके लिए INS सरयू ने इंडिजिनसली बिल्ट नेवल ऑफ्टर पेट्रोल व्हीकल ने भाग लिया था इंडिया की तरफ से, जबकि थाईलैंड के साइड से थाईलैंड शिप जो है STMH क्राबी और OPB जो है उसने भाग लिया था इस एक्सरसाइज में. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. तो थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी थाई भट, प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चैन ओचा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्लिपकार्ट टू इम्प्लीमेंट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट इन विच स्टेट. फ्लिपकार्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को किस स्टेट में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना. जो फ्लिपकार्ट है उसने पार्टनरशिप किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस में इस स्टेट में. ये सप्लाई करेगा COVID-19 वैक्सीन को और इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई को रूरल इनएक्सेसिबल एरियाज में ड्रोन के मदद से. फ्लिपकार्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस में, जो कि 6 डेज का होगा, यूज करते हुए कटिंग एज टेक्नोलॉजी को और सप्लाई करेगा मेडिसिन को. जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने पार्टनरशिप किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के साथ ताकि उनको टेक्निकल सपोर्ट मिल सके. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. तेलंगाना, तो तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है आपके, अब फ्लिपकार्ट के बारे में पहले देख लेते हैं. तो फ्लिपकार्ट का एस्टेब्लिशमेंट 2007 में हुआ था. इसके सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक पर है. तेलंगाना का सीएम के चंद्रशेखर राव है, गवर्नर डॉक्टर तमिलीसाई सौंदरराजन है. गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी, गवर्नर आचार्य देव विराट. उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आ 15 मीटर टॉल ट्री प्रोस्ट्रिया लालजी ऑफ द कॉफी फैमिली वाज रिसेंटली डिस्कवर फ्रॉम विच स्टेट और यूपी. एक 15 मीटर टॉल ट्री जो कि आपका प्रोस्ट्रिया लालजी है जो कि कॉफी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया किस स्टेट या यूपी से. आपके ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. जो 15 मीटर टॉल ट्री है प्रोस्ट्रिया लालजी जो कि न्यू स्पीसीज है जो कि बिलोंग करता है जीनस कॉफी फैमिली को, इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से. जो टीम ऑफ रिसर्चर्स है इंडिया और फिलीपींस को, उन दोनों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया है. ये जो डिस्कवरी है इसको पब्लिश किया गया है एमसे नायक बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे. एम विमल गोपा एंड XL H हेरियोला जो कि फिलीपींस के है, इन दोनों ने पहला रिकॉर्ड किया इस जेनस को प्रास्ट्रिया इन इंडिया पे. ये जो प्लांट है वो बिलोंग करता है जेनस प्रास्ट्रिया को, जिसको कि यूजुअली जो पाया जाता है मेडागास्कर पे. प्रास्ट्रिया लालजी इसका SS जो है क्रिटिकली इंडेंजर में रखा गया है, इसको IUCN के रेड लिस्ट में किस स्टेटस में दिया गया है इसको वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. IUCN के रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. केरला का सीएम पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान. असम का सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एडमायरल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है डॉक्टर DK जोशी है.
Next question number 4. Who manufactured the 3 advanced light helicopter Mark 3 helicopter which was recently inducted in ICG? किसने मैन्युफैक्चर किया है 3 ALS Mark 3 हेलीकॉप्टर को जिसको कि अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड में? आपका ऑप्शन है HAL, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी BARC, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए HAL। जो डिफेंस सेक्रेटरी थे डॉक्टर अजय कुमार ने उन्होंने इंडक्ट किया पहला 3 जो 16 इंडिजिनस एडवांस हेलीकॉप्टर है मार्क 3 उसमें से 3 को इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो मदद करेगा कोस्टल सर्विलेंस में रेस्क्यू ऑपरेशन में और इनहेंस करेगा कोस्टल सिक्योरिटी को। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर है जिसको कि इंडिजिनसली डिजाइन किया जा रहा है और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। HAL ALS Mark 3 जो है इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है ALS Mark 3 मैराइन वर्जन के तौर पे जो कि इन हाउस कस्टमाइजेशन फीचर्स के साथ अवेलेबल होगा। 19 एडिशनल इक्विपमेंट इसमें होंगे जो कि पूरा करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्वायरमेंट को। ये सप्लाई करेगा सारे 16 ALS Mark 3 हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्ट गार्ड को मिड 2022 तक। अभी 3 सप्लाई कर दिया है तो पोजिशनिंग है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 का इसके इंडक्शन के बाद तो 16 होंगे उनको पोजिशन किया जाएगा 4 कोस्ट गार्ड स्क्वाड्रन भुवनेश्वर में पोरबंदर में कोची पे और चेन्नई पे। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ICG इसके डायरेक्टर जनरल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के कृष्णा स्वामी नटराजन है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन है हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको फाउंड किया गया था 1958 में चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये प्रीमियर मल्टीडिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है भारत का जिसका एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट फॉर्मेशन के लिए। इसको फाउंड किया गया था 3 जनवरी 1954 को हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हु लॉन्चेस नमस्ते योगा ऐप एट द 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा करतल रेजर इवेंट। किसने लॉन्च किया नमस्ते योगा ऐप को जो 7th इंटरनेशनल डे योगा करतल रेजर इवेंट था उस दौरान? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीपद येसो नायक, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी संतोष कुमार गंगवार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज आयुर्वेदिक योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा शोरिकपका एंड होम्योपैथी आयुष के उन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया है नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन को जो कि डेडिकेटेड होगा योगा के लिए। ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है वर्चुअल करतल रेजर इवेंट के दौरान 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के समय पर। IDY जो है वो एनुअली 21st जून को सेलिब्रेट किया जाता है 2015 से ही। ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा और एसोसिएशन किया गया इसके साथ मोनोराजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा प्रकाश जावेदकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उन्होंने भी भाग लिया था इस इवेंट में। नमस्ते योगा ऐप के बारे में हम जान ले तो जो नमस्ते योगा ऐप है वो एक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है पब्लिक के लिए ताकि वो रेज कर सके अवेयरनेस को योगा को लेके और एक्सेसिबल बनाएगा लार्जर कम्युनिटी के लिए। ये जो इवेंट है वो बिगिनिंग है 10 डे एपिसोड सीरीज का जो कि सेवरल कॉमन योगा प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। संतोष कुमार गंगवार ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑडी एक्सटेंडेड इट एसोसिएशन विद होम एज इट ब्रांड एम्बेसडर। ऑडी ने एक्सटेंड कर लिया अपना एसोसिएशन किन के साथ अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत, ऑप्शन सी जेन फ्रेशर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। जो ऑडी AG जो कि जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया अपना एसोसिएशन इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली के साथ जो कि उनके ब्रांड एम्बेसडर थे उनको बढ़ा दिया गया है एक्सटेंशन कर दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर के पोस्ट को। विराट कोहली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है ऑडी के सिंस 2015 से ही और वो पार्ट है ऑडी मार्केटिंग एंड सोशल कैंपेन के भी। उन्होंने फीचर किया ऑडी के कैंपेन को जैसे कि हैशटैग टुगेदर विद ऑडी, हैशटैग मूविंग फॉरवर्ड, आयुष्मान खुराना जिनके बारे में ऑप्शन मेंशन था, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ जो है उन्होंने अपॉइंट किया है बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ फॉर चिल्ड्रन राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड के लिए। जेन फ्रेजर तो जो सिटी ग्रुप है उन्होंने जेन फ्रेजर को नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट में अपॉइंट किया है वो पहली फीमेल CEO होगी मेजर ग्लोबल बैंक सिटी ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हु अपॉइंटेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। किनको अपॉइंट किया गया है 13वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इजराइल का? आपका ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी इसाक हर्जोग, ऑप्शन सी नफ्तली बेनेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नफ्तली बेनेट। नफ्तली बेनेट जो है वो स्वॉर्न इन किया है 13th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इजराइल के, वो सक्सीड कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के पास्ट 12 ईयर से। इजराइल पार्लियामेंट कैनेट ने इलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर को 6059 वोट पे जो कि कॉन्फिडेंस 120 मेंबर हाउस का था तो उसमें 60 वोट इनको मिला है नफ्तली बेनेट को और बेंजामिन नेतन्याहू को 59 वोट मिला था मतलब सिर्फ एक वोट से वो हारे हैं।
अब कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग है और करेंसी इजराइली न्यू शेकेल है। तो जो ऑप्शन में इसाक हर्जोग के बारे में मेंशन था, ये इसराइल के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ अनपेड, किनको अपॉइंट किया गया पहले वुमेन सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अनपेड के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है रेबिका ग्रीनस्पैन, ऑप्शन बी प्रीति सिन्हा, ऑप्शन सी लिगिया नोराना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेबिका ग्रीनस्पैन, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है कोस्टिका की और इकोनॉमिक्स। रेबिका ग्रीनस्पैन जो कि पहली वुमेन सेक्रेटरी बनी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनटेड की, इनको नॉमिनेट किया गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। ये पहली वुमेन है सेंट्रल अमेरिकन की जिनको अपॉइंट किया गया है अनटेड के सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पर, और ये सक्सेस कर रही है मुकिसा कितुयु ऑफ केनिया को। रिवेसा ग्रीनस्पैन जो है करेंटली रिवेसा ग्रीनस्पैन जो थी वो सर्व कर रही थी सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट में इबेरो अमेरिकन जनरल सेक्रेटेरिएट में। उन्होंने प्रीवियसली सर्व किया यूएनडीपी के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर भी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। अनटेड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1964 पे। अनटेड एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का, ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है। इसके मेंबर्स कंट्री 195 है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इसके इजाबेल डुरंट है। प्रीति सिन्हा जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, तो जो यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है उन्होंने अपॉइंट किया है इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का पोस्ट पर, जो कि हाईएस्ट लीडरशिप रैंक है इस इंस्टीट्यूशन का। लिगिया नोरोना तो यूएन चीफ जो है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपॉइंट किया है लीडिंग इंडियन इकोनॉमिक्स लिगिया नोरोना को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट में, जो हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस है यूएनईपी का वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु विंस 2021 पेन प्रिंटर प्राइज, किसने जीता है 2021 का पेन प्रिंटर प्राइज को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है मैगी ओ फेरेल, ऑप्शन बी टिस्टी डेनगोरबुंको, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर कुमार लिम्बाले, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टिस्टी डेंगरबुंको, जो नोटेड जिम्बाब्वे की नॉवलिस्ट है टेस्टी डिंगमग्रो, उनको डिक्लेयर किया गया विनर के तौर पे 2021 के पेन प्रिंटर प्राइज के लिए। उन्होंने जो चार्ट किया था डेवलपमेंट ऑफ जिम्बाब्वे को फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी से ऑटोक्रेटिक और ट्रबल फ्री स्टेट के तौर पे अपने राइटिंग के माध्यम से, इस कारण उनको ये अवार्ड दिया गया। उनको ये अवार्ड सेरेमनी जो कि होस्ट किया जाएगा ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड इंग्लिश पेन के द्वारा अक्टूबर 2021 में, वो दौरान दिया जाएगा। अब इनके बारे में हम जान लें तो टेस्टी डेंगरमुगा जो है तो वो शॉर्टलिस्ट की गई है बुकर प्राइज 2020 के लिए भी अपने वर्क के लिए, जो था उनका द मॉर्नेबल बॉडी, उनको उन्होंने ऑथर किया बुक जिसका टाइटल है नर्वस कंडीशन को भी। उनको अरेस्ट कर लिया गया था 2020 पे जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, स्टैंड ली थी करप्शन के खिलाफ। तब पेन प्रिंटर प्राइज है क्या, तो जो पेन प्रिंटर प्राइज है ये एनुअल लिटरेरी प्राइज है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में मेमोरी पे नोबेल लॉरियट प्ले राइट हैरोल्ड प्रिंटर के लिए। ये जो प्राइज था इसको अवार्ड किया जाता है राइटर को जो कि रेसिडेंट है यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, कॉमनवेल्थ और फॉर्मर कॉमनवेल्थ के, जो लिखते हैं इंग्लिश में और शो करते हैं फायर्स इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेशन को, जो कि डिफाइन करता है रियल थ्रोट को हमारे लाइफ और सोसाइटी के बारे में। मैगी ओ फेयरवेल जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, तो मैगी ओ फेयरवेल का जो हेमलेट जो कि एक इमेजिन टेक ऑन डेथ ऑफ शेक्सपियर सन है जो कि बुबलोनिक प्लेक्ट से हुआ था, उनको नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल प्राइज मिला है फिक्शन के लिए। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले तो जो नोटिस मराठी राइटर है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, उनको सरस्वती सम्मान मिला है 2020 का उनके बुक सनातन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इलेक्टेड टू यूएन सेक्रेटरी काउंसिल फॉर 2022 टू 2023, किस कंट्री को इलेक्ट किया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे 2022 के 2023 के टेन्यूर के लिए। आपको ऑप्शन है अल्बानिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी गैबोन, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव। अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, इसके अलावा घाना और यूएई है जिनको इलेक्ट किया गया है 25th सेशन में जनरल असेंबली के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इनका जो टर्म है 2022 से 2023 तक है। ये जो इलेक्टेड 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो भाग लेंगे 15 मेंबर्स बॉडी में यूएनएससी के। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं, तो जो 15 मेंबर यूएनएससी का बॉडी है तो इसमें 5 परमानेंट वीटो बिल्डिंग मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ये इंश्योर करते हैं ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, जो 10 नॉन परमानेंट सीट है वो एलोकेट किया जाता है रीजनल ग्रुप के अनुसार। जो परमानेंट मेंबर्स है वो कौन कौन से है, तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। और जो नॉन परमानेंट मेंबर है, एग्जिस्टिंग मेंबर जो अभी है, कौन कौन से नॉन परमानेंट में, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे, जिनका टर्म जो है काउंसिल का वो एंड होगा December 31, 2022 को। जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर है अभी जो इलेक्ट किया गया है, तो अल्बानिया, ब्राजील, गबोन, घना, यूएई, जिनका टर्म स्टार्ट होगा January 1, 2022 से। जो वैकेटिंग मेंबर है जो खाली करने वाले पोजिशन को, तो एस्टोनिया, नाइगर, सेंट विंसेंट एंड ग्रीनलैंड, टूनिशिया, वियतनाम, इन सबका टर्म जो है वो 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा। जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर है वो रिप्लेस करेंगे वैकेटिंग मेंबर को इस असेंबली पे।
अब हम यूएनएससी के बारे में जानेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये ओनली यूएन बॉडी है जो कि लीगली बाइंडिंग डिसीजन देता है, इम्पोज करता है सैंक्शन को और ऑथराइज करता है, यूज करता है फोर्स को। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 को हुआ था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। जो प्रेसिडेंसी है यूएनएससी का वो हेल्ड किया जाता है हर एक मेंबर के द्वारा 1 मंथ के लिए, जो कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार होता है। इंडिया जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन का, जो टीएस त्रिमूर्ति। तो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में वो कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। 47 G7 लीगल समिट 2021 टू प्लेस इन विच कंट्री? जो आपका 47 G7 लीगल समिट हुआ 2021 का, ये किस कंट्री में हुआ? आपका ऑप्शन है ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।